मेरी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें। तो भाई स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में, और एक नई वीडियो, एक नई सीरीज की शुरुआत हो रही है। रात के बजे हैं करीब करीब 10:30 और मैं हूँ राजेंद्र नगर रेलवे टर्मिनल पे। पटना का एक रेलवे स्टेशन है जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, पीछे मेरी ट्रेन खड़ी है। और इस बार मैं एक ऐसी कंट्री जा रहा हूँ जिसे करीब 50 साल पहले बहुत कम लोग जानते थे। इनफैक्ट उस कंट्री ने अपने देश में टूरिज़्म 1974 के बाद ही शुरू किया था। तो मैं जहाँ जा रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, दो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज़ के बीच में एक छोटी सी कंट्री सैंडविच होकर बनी है, जिसने कि अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को बहुत अच्छे से संजो के रखा है। और इस जगह का नाम है भूटान। तो ये जो वीडियो मेरी हो रही है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भूटान जाना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेंगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और क्या रास्ता है भूटान जाने का। क्या सड़क का रास्ता अच्छा है, फ्लाइट से जाना अच्छा है, या आप अपनी ट्रेन लेके जा सकते हैं, मतलब अपनी ट्रेन नहीं, मतलब ट्रेन लेके जा सकते हैं। और एक बात मैं और बता दूँ कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो भी आप भूटान जा सकते हैं। तो ये सब इंटरेस्टिंग बातें, रास्ता, सब कुछ मैं बताऊंगा। बने रहिए इस वीडियो के साथ और शुरू करते हैं एक नई सीरीज भूटान की। सो इंडिया और भूटान के बॉर्डर पर है वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा शहर जयगांव। यहाँ से आप भूटान के शहर फुनसुलिंग में बाय रोड दाखिल हो सकते हैं, बहुत ही आसान है। जयगांव पहुँचने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है हाशिमारा। अगर आपकी ट्रेन डायरेक्ट हाशिमारा नहीं आती तो उस केस में आप सिलीगुड़ी या न्यू जलपाईगुड़ी आ सकते हैं, और वहाँ से आपको हाशिमारा की ट्रेन आसानी से मिल जाएगी। सिलीगुड़ी या न्यू जलपाईगुड़ी से आप प्राइवेट गाड़ी भी बुक कर सकते हैं और उससे जयगांव तक पहुँचा जा सकता है। अब अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो जयगांव से नियरेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा। देश के किसी भी कोने से बागडोगरा की फ़्लाइट आप ले सकते हैं और यहां से बाय रोड आप जयगांव तक पहुंच सकते हैं। इंडिया की कोई भी गाड़ी फुनसुलिंग के बॉर्डर के आसपास ही जा सकती है। आपका होटल अगर बॉर्डर के पास है तो गाड़ी आपको वहां उतार देगी, उससे आगे जाने के लिए उसे परमिट की ज़रूरत पड़ती है। यहां एक आपको पते की बात बताता हूं। अगर आप गोह पहने किसी भी ड्राइवर को देखें तो आप उनके साथ फुनसुलिंग सस्ते में आ सकते हैं, और आगे भूटान घूमने के लिए भी आप उनकी सेवा ले सकते हैं। जब आप सिलीगुड़ी से आगे निकलेंगे तो आपको आपकी खिड़की से बाहर चाय के बागान देखने को मिलेंगे, बड़ा ही सुंदर लगता है वो नज़ारा, और अगर बरसात का सीज़न है तब तो और भी खूबसूरत लगेगा। एनीवेज मैं अब आपको बताता हूँ कि अगर आप भूटान बाय रोड या बाय ट्रेन ना जाके फ्लाइट से जाना चाहें तो कैसे जाएंगे। तो भूटान जाने के लिए दो एयरलाइंस हैं, एक है ड्रुक एयरवेज और दूसरी है भूटान एयरलाइंस। इन दोनों की फ़्लाइट्स बहुत ही कम चलती हैं, मतलब बहुत कम फ्रीक्वेंसी की फ़्लाइट्स, और बहुत चुनिंदा जगहों से ही ये फ़्लाइट्स होती हैं। इंडिया में आप ये फ़्लाइट ले सकते हैं डायरेक्ट दिल्ली से, कोलकाता से, गुवाहाटी से, गया से, और शायद बॉम्बे से भी है, वो आप चेक कर लेंगे। भूटान में एक जगह है पारो, और वही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पूरे भूटान में, एक अकेला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो आपकी फ्लाइट लैंड करेगी। लेकिन मैं आपको पारो एयरपोर्ट के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये जितना ही खतरनाक एयरपोर्ट है उतना ही खूबसूरत एयरपोर्ट भी है। पारो वैली के बीचों बीच एयरपोर्ट को बनाया गया है, और जब आपकी प्लेन वैली में आना शुरू होती है तो वो दृश्य इतना खूबसूरत होता है। साथ ही साथ जब आप भूटान एंटर करेंगे तो आपको आपकी खिड़की से हिमालय का एक बहुत ही सुंदर व्यू आएगा। हिमालय के जो सबसे हाईएस्ट 4 पॉइंट्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, बहुत खूबसूरत व्यू होता है उसका, एक अलग ही मज़ा है। फ्लाइट्स जनरली थोड़ी महंगी होती है, और जितना जल्दी आप बुक कर लें उतनी ज़्यादा आपको सस्ती पड़ सकती है। एक मुझे टिप मिली थी कहीं से, मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि अगर आप फ्लाइट्स किसी भी एक पोर्टल पे देख रहे हैं और बुक करना चाहते हैं तो एक बार एयरलाइन को डायरेक्ट मेल भी भेज के देखिए,
हो सकता है कि आपको कुछ प्राइस में डिस्काउंट मिल जाए उनके थ्रू। ये एक टिप है, मुझे भी किसी ने दी, मैंने ट्राई नहीं किया है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। गाइज मैं पहुंच गया हूँ हाशिमारा रेलवे स्टेशन, ये इधर ये पीछे आप देख रहे हैं हाशिमारा रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से एक नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना है और फिर वहाँ से आगे ऑटो या जो भी व्हीकल मिलता है मुझे उससे मैं जाऊँगा जयगांव। तो सांस फूल गई क्योंकि सामान भारी था और सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी। तो मैं वहाँ से चल के बताता हूँ आपको कि क्या रेट है और क्या क्या चीज़, कौन कौन सी गाड़ियाँ मिलती हैं आपको जयगांव तक जाने के लिए। जयगांव से आगे फिर हम लोग भूटान में एंटर करेंगे, तो चलिए दिखाता हूँ। तो भाई जब आप उतरेंगे हाशिमारा स्टेशन तो बहुत ही छोटा सा स्टेशन है और यहाँ छोटी गाड़ी और ऑटो ये सब कुछ मिलेगा आपको जयगांव जाने के लिए, लेकिन रिज़र्व करना पड़ेगा। अगर आप वैगन आर जैसी गाड़ी लेते हैं तो करीब 450 भूटान गेट तक पहुँचाने के लिए और अंदर फुंसुलिंग में पहुँचाने के लिए करीब 500 रुपये वो ले लेंगे। शेयर में अगर जाते हैं तो थोड़ी मुश्किल है, ऑटो से अगर जा रहे हैं या ऐसे तो आपको बस स्टैंड जाना होगा फिर वहाँ से, तो थोड़ा सा मुश्किल है वो हिसाब किताब, लेकिन उसमें आपको सस्ते में हो जाएगा, वो 30 या 40 रुपये आपसे लेंगे ऑटो वाले। और गाड़ी का जहाँ तक हिसाब है तो वो आपको यहाँ पे आके बात करनी पड़ेगी, अगर पैसेंजर्स हैं तब तो शेयर कर लेंगे, शेयरिंग में वही 100 रुपये लेंगे वो आपसे, अगर नहीं तो फिर आपको पूरी गाड़ी रिजर्व करनी पड़ेगी। तो लकीली मुझे मिल गए ये जनाब जिनका नाम है मिस्टर दौरजी और इनके साथ मैं आ गया हाशिमारा स्टेशन से फुंसुलिंग अपने होटल तक, वो भी सिर्फ 150 रुपये में। तो अगर आप इनकी सेवा लेना चाहते हैं, वैसे बहुत अच्छी इन्होंने मुझे सर्विस दी थी, पूरा भूटान घुमाया, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विथ हिम। तो अगर आपको भी इनकी सर्विस चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे दिया है, आप इनको व्हाट्सएप कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं और इन्हें हिंदी भी समझ में आती है। तो फिलहाल हम लोग पहुँच गए हैं फुंसुलिंग और हो गई है रात, तो बहुत कुछ तो फुटेज मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन हाँ अभी मैं टहलने के लिए निकला था बाहर तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा मंदिर दिखा है। और ये जब आप परमिट लेने वाला जो रास्ता है जब वहाँ जाएंगे उससे थोड़े ही से पहले आपको ये मंदिर मिलेगा, तो अगर आपके पास समय है तो आप इसे आके देख सकते हैं। और पीछे तो अभी बहुत ब्राइट लग रहा है, आप फुटेज में देखें कि मंदिर कैसा है। तो कुछ इस तरह रहा मेरा पूरा सफ़र पटना से फुंसुलिंग पहुँचने का। फुंसुलिंग में मैं जहाँ रुका था उस होटल का मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। होटल ठीक ठाक अच्छा होटल था, एक रात बिताने के लिए काफ़ी अच्छा था, सर्विस बहुत अच्छी थी। अगर आप भी यहाँ रहना चाहते हैं तो यहाँ जो कंसर्न पर्सन है उनका नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उनसे भी व्हाट्सएप में बात करके और यहाँ जगह बुक कर सकते हैं, अच्छी सुविधा है। और हाँ जब आप यहाँ रुकें तो यहाँ के मोमोज, चिकन मोमोज ज़रूर ट्राई करें और हाँ साथ में चिकन चिल्ली भी ज़रूर खाएँ, बहुत अच्छा बनाते हैं ये लोग। अगली वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि भूटान में परमिट कैसे मिलता है और फुंसुलिंग से थिम्पू तक का सफ़र मेरा किस तरह रहा। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ इसी तरह और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और हाँ अगर आप नए हैं और आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल का आइकन दबाएंगे जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।